घरेलू गैस सिलेंडरों का धड़ल्ले से हो रहा व्यापार में उपयोग, जिम्मेदार मौन। आपको बताते चले कि जहां आम जनमानस गैस की महंगाई व समय से ना मिल पाने के कारण परेशान होते हैं, वहीं चाट समोसे व रेस्टोरेंट होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस समय अटवा कुरसठ माँ सती देवी के स्थान पर मेला का आयोजन चल रहा है, जिसमें खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। लोगों को जब गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है, तब जनता को एजेंसियों के द्वारा कुछ न कुछ बताकर टरका दिया जाता है और व्यापारियों व दुकानदारों से थोड़े बहुत ज्यादा रुपए लेकर गैस सिलेंडर उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। जबकि योगी सरकार जनता को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं आम जनता को इसका लाभ न मिलकर व्यापारियों को लाभ एजेंसियों के द्वारा दिलाया जाता है। कभी ऑटो में घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े जाते हैं तो कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं होटलों में, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन सब पर लगाम नहीं लग पा रहा है। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब खेल उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है। हरदोई गैस एजेंसियों के संचालक, ग्रामीण क्षेत्रों में गैस एजेंसियों ने ग्राहक सेवा उपकेंद्र बनाए हैं, जिस पर उपभोक्ता को आसानी से गैस मिल सके, लेकिन वहीं पर गैस एजेंसियों के ग्राहक सेवा उपकेंद्र के संचालक लोगों में सीएनजी गैस की जगह एलपीजी गैस ऑटो में डालते हैं। साथ ही साथ शादी विवाह पार्टियों में, खाना बनाने में कॉमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू गैस अधिक दामों में बेचकर सरकार व जनता को चूना लगा रहे हैं। जीबीएन 24 न्यूज के लिए पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट।